An electric iron of resistance 20 ohms takes a current of 5 amperes. Calculate the potential difference and the heat developed in 30 seconds. ठीक है, थर्ड वाला स्विच ऑन करना, थर्ड वाला, हाँ ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी रेजिस्टेंस इज 20 ohms, takes a current of 5 amperes. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने बोला है और हीट कितना डेवलप होगा, हाउ मच इज द हीट डेवलप, टाइमिंग कितनी है भाई साहब 30 सेकेंड्स की। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है ओके। तो पहला बात तो आपका भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस बाई ओम्स लॉ निकाल लो, कितना है आई इंटू आर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 5 और ये हो गया 20। इसका यूनिट क्या होगा, आई इंटू आर का यूनिट क्या हो जाएगा? यह है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट भाई साहब, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस विल बी हाउ मच, 100 वोल्ट्स हो गया ये। ठीक है, वोल्टेज हो गया कितना भाई साहब 100 वोल्ट्स का। ठीक है, क्लियर है। अभी आपको एच निकालना है, एच का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, चलिए भाई साहब एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 20, टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 30। ठीक है, बस यही करना है आपको। और इसका यूनिट क्या आएगा निक्षुक, क्या आएगा यूनिट? अरे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स। ठीक है, तो आपका यहां पर हो जाएगा 25 × 2, 3 = 600। तो ये हो गया 25 × 6 कितना हो गया 150 और ये 2 zeros और, तो इतना जूल्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो करंट इज दिस मच, हीट कितना डेवलप होगा, V इज इक्वल टू आई आर, हीट की वैल्यू हो जाएगी वी आई टी भी लिख सकते हैं या आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 840 वॉट्स मतलब क्या हो गया? V इंटू क्यू, वेरी गुड। ठीक है, नहीं लेकिन यहां पे नहीं, ये जो है वो वॉट्स है, कंफ्यूज मत हो। तुम जो बोल रही हो ये V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है, राइट? ये वर्क डन है, ये यूनिट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तुम जो बोल रही हो W मतलब हो जाएगा V इंटू क्यू, नहीं ये नहीं है। यहां पे वॉट्स मतलब है तुम्हारा पावर। ठीक है, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे अगर बोल रहा हूं W को अपन मेजर करते हैं किस यूनिट में, जूल्स में। ठीक है, तो यहां पे ये जो W है ये बेसिकली वॉट्स है और वॉट्स किसका यूनिट होता है, पावर का। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। आप जो बोल रहे हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, दिस वुड मीन W एज एनर्जी। तो एनर्जी जूल्स में होता है और ये आपका वोल्टेज और ये कूलम्स, लेकिन यहां पे आपका वॉट्स में है। वॉट्स एक यूनिट होता है किसका, पावर का यूनिट होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली पावर। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा बोलो? पावर का फॉर्मूला मैंने आपको कल दिया था, V इंटू आई होता है। ठीक है, इसको लेकर चलो। ठीक है ओके, तो इसका मतलब आपका यहां पर गिवेन क्या दिया हुआ है, पावर की वैल्यू हो गई 840 वॉट्स। यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। ये वाला डब्ल्यू यहां पर वर्क डन नहीं है, ये वाला डब्ल्यू यहां पर वॉट्स है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है ओके, आपने जो बोला वो सही है लेकिन वो एनर्जी के लिए एप्लीकेबल होता है, ये वर्क डन होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे आपका यूनिट है, ये W यूनिट है। ठीक है, W का फिजिकल क्वांटिटी होना मतलब वर्क डन और W का यूनिट होना मतलब वॉट्स। समझ में आ रहा है? और वॉट्स किसका यूनिट होता है, पावर का। क्लियर ओके, ये यहां पे क्या भूत बैठेगा? नहीं वहां पे इतना है, एक काम करो ना भाई साहब, ऐसे टार्जन की तरह वो पेड़ में लटकते हुए क्लास अटेंड कर लो। ओके, तो आपका भाई साहब व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, ठीक है, तो पावर की वैल्यू कितनी है 840, मैक्सिमम रेट, हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट्स व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। ठीक है, तो पावर की दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक पावर की वैल्यू है भाई साहब 840 वॉट्स, दूसरे पावर की वैल्यू है भाई साहब 360 वॉट्स। ठीक है, एक है आपका मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम रेट में हीटिंग है और ये आपका मिनिमम। समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, द वोल्टेज यहां पे 220 वोल्ट्स है, वॉट इज द करंट इन ईच केस, तो यहां पे आपका करंट इन ईच केस कितना होगा,
वोल्टेज कितना है भाई साहब आपका? 220 वोल्ट है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसमें अपन करंट निकालते हैं, तो पावर क्या होता है भाई साहब? पावर होता है वीआई। तो जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है, पावर मैक्सिमम ये कितना है भाई साहब आपका? वी, वी कितना है? 220 इंटू आई, ठीक है। तो यहां पे आपका पावर कितना दिया हुआ है? 840, 840 बाई 220 इज इक्वल टू आई, ठीक है। सो आई मैक्सिमम हो गया ये भाई साहब, ठीक है। कैंसिल हम कैंसिल हम, ये 222 कितने से, 211 जा 22, 24 जा 8 कितना आ रहा है, ये कितना 42 आ रहा है ना, ओके। तो कितना आ रहा है? 3.8 समथिंग, चलिए भाई साहब 3.8 एम्पियर्स, ठीक है। तो पहले वाले में कितना हो गया? 3.8 एम्पियर्स। दूसरे वाले का निकाल लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360 इज इक्वल टू वी, वी अभी भी वही है 220, और ये आई, आई भाई साहब आपका मिनिमम हो गया, ठीक है। ये आई मिनिमम 360 बाई 220, ठीक है। तो ये हो गया 1118, ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 11 1 11, 8 7 गया 7, 11 6 66, तो ये हो गया 1.6 एम्पियर्स। आई मिनिमम आपका क्या हो गया? 1.6 एम्पियर्स, क्लियर है भाई साहब। व्हाट इज द करंट इन ईच केस? इन द फर्स्ट केस करंट विल बी दिस मच, इन द सेकंड केस करंट विल बी दिस मच। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये कंफ्यूजन क्लियर है? डब्ल्यू जो आप बोल रही थी वो एक्चुअली वर्क डन का है। व्हाट यू आर सेइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट व्हाट इज गिवन हियर इज बेसिकली अ यूनिट। यहां पे डब्ल्यू मतलब यूनिट है वॉट्स, ठीक है। वॉट क्या होता है? 1 जूल बाई 1 सेकेंड, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ठीक है। और वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का यूनिट होता है। दिस इज बेसिकली यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। समझ में आता भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब लेट्स से एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड है। अरे जाना भाई साहब, क्यों नहीं जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड है भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच इज पावर एट द मैक्सिमम रेट 840, 360। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी आई। तो ये हो गया भाई साहब आई मैक्स, दैट इज पावर मैक्सिमम अपॉन दिस, तो कितना आ गया? 3.82। इसी तरह से व्हेन हीटिंग इट एज द मिनिमम रेट, ठीक है, पावर की वैल्यू हो गई 360 और ये हो गया आपका 220 वोल्ट। अभी अभी मैं जब आपको यहाँ पे नहीं ला पा रहा था तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम था, मतलब पावर भी बहुत कम रहेगा, तो इसके लिए करंट भी बहुत कम रहेगा, जिससे मेरे ये अप्लायंसेज नहीं चल पाएंगे, द अप्लायंसेज विल नॉट बी ऑपरेटिव। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिनिमम पावर था, द पावर वॉज मिनिमम एंड हेंस करंट वॉज ऑल्सो मिनिमम, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट पावर मिनिमम विल बी इक्वल टू 360, ठीक है, ये 220। तो आपका भाई साहब कितना आ गया? दिस विल बी 1.64। तो आपका आई मैक्स कितना हो गया? 3.82 एम्पियर्स। आई मिनिमम कितना हो गया? 1.64 एम्पियर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। नहीं नहीं उस पर भरोसा मत कर, कुछ भी पकाता है। तू लेकिन काम नहीं कर रहा है ठीक से। अरे वो किसका बुक है वो ले लो जरा, ये तुम्हारा बुक था ना शर्मा जी? हाँ क्या वो अभी तक सब आ रहे, मतलब कोई हॉस्पिटलाइज हुआ ही नहीं, मतलब तूने अपना काम किया ही नहीं। क्या काम दिया, फिर काम ही नहीं कर रहा है। हो गया, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे वोल्ट कितना हो गया? 220 वोल्ट का। और यहां पे पावर कितना है भाई साहब? 100 वॉट्स, 100 वॉट्स मतलब पावर, ठीक है। ये W मतलब है आपका वॉट्स, और वॉट्स होता है पावर का यूनिट, ठीक है। तो पावर भाई साहब यहां पे 100 वॉट्स है। आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक बल्ब कभी खरीदा रहेगा, ये वाला नहीं, ये तो अभी LED हो गया सब, तो उसमें ना लिखा रहता है आपका 220 वोल्ट्स और 100 वॉट्स, ऐसे लिखा रहे, ठीक है, उसमें लिखा रहता है।
220 वोल्ट तो भाई साहब किसी भी चीज़ में लिखा रहेगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया में जितना भी वोल्टेज सप्लाई है सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 220 वोल्ट पे ही डिजाइंड है सारे, ठीक है। एसी से लेकर भाई साहब आपका बल्ब से लेकर फैन तक ऑल आर ऑपरेटिंग ओनली ऑन 220 वोल्ट, ऐसे ही डिजाइंड है, ठीक है। आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज का कॉन्फिगरेशन अलग रहेगा। इसीलिए जब आप कोई दूसरे कंट्री से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंडिया में लाते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। और जो लोग भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का धंधा करते हैं वो इसी पे खेल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि असेंबल्ड पीस में आपका जीएसटी कम हो जाता है, ठीक है। अगर एकदम पूरा आपने इंपोर्ट किया है तो उसमें जीएसटी लगेगा असेंबल्ड पीस पे। तो जैसे समझ लो ये वाला जो इंटरैक्टिव पैनल है ये चाइना का है, ठीक है, ये चाइना का है, लेकिन इसको यहाँ पे ऑपरेट कराने के लिए इसको एक सर्किट को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो शायद 220 वोल्ट का नहीं है, वो शायद दूसरा होगा। हर कंट्री में अलग अलग है, 4-5 वोल्ट का इधर उधर रहता ही है। तो इसको यहाँ पे यूजेबल बनाने के लिए फैक्ट्री वालों ने सिर्फ उस सर्किट को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया और इसको असेंबल्ड पीस दिखा दिया। अभी इसको असेंबल्ड पीस दिखा दिया, उसमें उन्होंने हज़ारों का जीएसटी बचा लिया अपना। असेंबल्ड पीस मतलब क्या होता है, आप बहुत सारे जगहों से एक चीज़ को असेंबल करते हो और उसका पीस बनाते हो, दैट इज़ नोन एज एन असेंबल्ड पीस, ठीक है। खैर मुद्दा यहाँ पे ये है कि आपका सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो इंडिया में है दे ऑल ऑपरेट एट द सेम वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्ट्स। पावर यहाँ पे कितना है भाई साहब, 100 वोल्ट्स, ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड। अभी दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि वोल्टेज को अगर अपन ने क्या कर दिया 110 वोल्ट का कर दिया, द पावर कंज्यूम्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर कंज्यूम भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो अभी अगर आप देखोगे पावर का रिलेशनशिप क्या है, पी इज इक्वल टू वी आई होता है भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। अगर हम इसको आई को हटा दें और रेजिस्टेंस को लाएं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने पास देखो आई नहीं है, ठीक है, आर अगर आप लाते हैं तो आई वी की वैल्यू क्या होती है, आई आर, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, वी बाई आर, समझ में आ रहा है। तो आई की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, वी इंटू अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर इस आई की जगह पे, तो ये कितना हो गया बोलो, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, समझ में आता, ठीक है, क्लियर है। इससे तुम्हारा आर का वैल्यू आ जाएगा, आर की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 220 इंटू 220 अपॉन पावर यहाँ पे कितना है 100 का, कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 22 कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484 कितना होता है, मेरे को नहीं मालूम, 484 है, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका 484 ओम्स, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक बल्ब को चेंज नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को चेंज नहीं किया तो उसका रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस विल बी द सेम, दैट इज 484 ओम्स, आर वी क्लियर, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो भाई साहब यहाँ पे पावर कितना होगा, यही फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, देखो वी स्क्वायर बाई आर, तो ये वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 110 इंटू 110 अपॉन भाई साहब 484, ठीक है, 11 टेनजा और 11 फोर ज़ा 44, 44 ज़ा, ठीक है, 11 टेन ज़ा 11 फोर ज़ा, यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब आपका 100 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 25, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और यूनिट क्या हो जाएगा, हे निशुक यूनिट कितना होगा, नींद आ रही है तेरे को, कितना होगा यूनिट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब तो जल गया, इधर कब जलेगा पता नहीं भाई, पिंकी यूनिट क्या होगा, जूल्स, अरे चाची यहां पे क्या दिया हुआ है, 100 वॉट्स पावर आपने यही लिया है ना, 100 वॉट्स, अभी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो पावर, थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है, जूल्स कहां से हो जाएगा, पावर का यूनिट अगर मुझे क्या मिला है 100 वॉट्स है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा वॉट्स, क्या इसमें भाई साहब कहां तक आपको जाना है, जो दिया हुआ है उससे ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 100 वॉट्स अगर मेरा पावर है, मैंने यहाँ पे 25 कैलकुलेट किया, तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा वॉट्स, 25 वॉट्स, का भाई साहब का कर रहे हैं पता नहीं। ये है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, पावर P1 की वैल्यू कितनी हो गई, P, तो आपका भाई साहब वी स्क्वायर बाई आर, तो दिस विल बी आर की वैल्यू आ गई 484, पी टू की वैल्यू हो गई वी टू स्क्वायर बाई आर 110, सो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 25 वॉट्स, क्लियर है, ओके ओके ओके।
यूनिट्स को जरा संभालो यार, क्या दिख तो रहा है इसमें, क्या उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। अब क्या करेंगे भाई साहब, जनरेटर कनेक्ट कर दिया, अभी तक तो 220 वोल्ट ही बोल रहे थे, जनरेटर कनेक्ट कर दिया अभी, तो वोल्टेज सप्लाई कितना है? 220 वोल्ट। ओके, सोहम पाटिल जी बोलते हैं जनरेटर कनेक्ट करो या भाई साहब सोर्स लगाओ, 220 वोल्ट ही रहेगा। ओके चलिए, करंट इज कितना है भाई साहब? करंट इज 0.50 एम्पियर। ठीक है, वॉट इज द पावर ऑफ द बल्ब? तो पावर ऑफ द बल्ब कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट, एकदम आसान सा सवाल है, एकदम लल्लू पंजू सवाल, चलिए जल्दी फटाफट। पांडे कितना होगा ये? पावर इज इक्वल टू, सात मंजिला नहीं चढ़ा जाता इनसे भाई साहब, जवान खून, बाप रे बाप। अई जानवी क्या हुआ? अरे बोलो, पावर का फॉर्मूला अभी तो पढ़ा भाई साहब, V इंटू आई, एक लाइन का सवाल है, इसको अगर मैं नहीं लिखूंगा तो एक लाइन में खत्म। ये कितना हो गया? 220 इंटू 0.5, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई साहब? 110 और इसका भी एक जीरो, तो मतलब ये आ गया कितना? 110। अई इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वही होगा जिस जो तू लगा रहा है, वॉट, वॉट लगा रहा है पढ़ाई की। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका वॉट। ठीक है, कह रहे भाई साहब 110 वॉट्स। तो दिस विल बी 110 वॉट, द बल्ब पावर इज 110 वॉट्स। ये जो मोदी और अमित शाह पीछे बैठे हैं, इनके लिए क्वेश्चन है, चलिए फटाफट। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम्स ड्रॉस 15 एम्पियर्स फ्रॉम द सर्विस मेंस फॉर 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हीट डेवलप, हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या है तिवारी? हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या है? अरे निर्लज, हीट डेवलप, हाँ देख कर क्यों बताना है, इतने सवाल तो कर चुके। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ओके चलिए, तो अभी हम देखते हैं भाई साहब क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे। I की वैल्यू कितनी है? ओ चाचू, ओ I की वैल्यू कितनी है? तमाकू मल रहा है भाई साहब? हाँ अरे इतने बड़े में दिख नहीं रहा है। 15 क्या आकाश, 15 क्या ये तेरा नाम ही है वो, 15 ए मतलब आकाश, क्या है ये? आई की वैल्यू है यहां पे 15 एम्पियर्स। ठीक है, ओके फॉर 2 आवर्स, तो आपका टाइम यहां पे कितना है? जयसवाल जी बताइए टाइम कितना है? 2 आवर्स लिखेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे कितना हो गया? 120 होगा गधे, 2 आवर्स का, एक घंटे में 120 सेकेंड्स होता है। तो अभी एक काम कर, 120 तक गिन, और 120 तक गिनने के बाद जब सब क्लास छूट जाएगा फिर से एक बार 120 तक गिनेगा, जब तक 120 नहीं कंप्लीट करेगा 2 घंटा तेरे को बिठाऊं मैं अगर, इसका मतलब तू 120 तक गिनेगा और छूट जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स भाई साहब, एक घंटे में होता है 60 मिनट्स, तो ये 60, और एक मिनट में तो है 60 सेकेंड्स, तो ये हो गया 60 into 60, तो ये हो गया आपका 60 into 60 seconds। इसको भाई साहब ऐसे ही रखते हैं, 60 into 60 seconds। आप एक घंटे को भाई साहब किस में कन्वर्ट करें? सेकेंड्स में। ठीक है, ओके अरे सॉरी 2 तो लगाना भूल गया, 2 into 60 into 60 है ना, एक घंटे का होता है 60 into 60, तो 2 घंटे का होगा 2 into 60 into 60। ओके, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट, तो अभी आपका भाई साहब यहां पे टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू यहां पे कितनी है? 8 ओम्स। एकदम सिंपल सादा सवाल भाई साहब, सिर्फ वैल्यूज डालिए यहां पे। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 15 का स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना हो गया? 8। और टी का वैल्यू कितना हो गया?
टू इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी, ठीक है, तो ये हो गया आपका 225 इंटू एट इंटू सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा नहीं सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स टू जा सेवेंटी टू, सेवन टू जीरो जीरो, ये भाई साहब कर लो भाई साहब, जो भी आएगा इसका आंसर 1296, 1234 जूल्स इतना आ रहा है भाई साहब हीट, ठीक है, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, कैलकुलेट द रेट, अभी यहां पे आपसे क्या पूछा है, रेट एट विच इट इज डेवलप, रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर, तो आपका किस रेट से डेवलप हो रहा है भाई साहब, इसको अगर टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगा, एक्चुअली आपको यहां पे पावर ही पूछा है, ठीक है, पावर, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर इज नथिंग बट पावर, क्योंकि पावर होता है एच बाई टी, एच अपॉन टाइम, ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, वी आई लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे वी नहीं दिया हुआ है आपको, आपको आई और आर दिया हुआ है, तो इस वी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, दूसरा तरीका इस सवाल को करने का है, वी इज इक्वल टू आई आर कर लो भाई साहब, तो यहां पे हो गया आपका आई आर और ये आई, ठीक है, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर मतलब 15 का स्क्वायर इंटू आर दैट इज 8, तो ये हो गया आपका 225 इंटू 8, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 8 2 जा 16 17 18, 1800 आ जाएगा, हमने जो पिछले सवाल में मतलब जिसको करते हुए जो वैल्यू लाया था हीट का, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आ जाएगा, लेकिन उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसको कर सकते हैं, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा 1800 का, बोलो व्हाट, ठीक है, सो यहां पे पावर हो जाएगा 1800 वॉट्स, ठीक है, क्लियर, सो दिस विल बी 1800 जूल्स पर सेकेंड लिखे या वॉट्स लिखे, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ज्यादा करके आप जूल्स पर सेकेंड ना लिखकर वॉट्स ही लिखिए, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, टू लैंप्स, वन रेटेड एट 100 वॉट्स एट 220 वोल्ट्स, तो एक लैंप है भाई साहब जिसका रेटिंग क्या है, P1 है आपका कितने का, 100 वॉट्स का, ठीक है, और V1 ये कितने का है भाई साहब, 220 वोल्ट का, एंड द अदर P2 ये है आपके 60 वॉट्स का, और आपका V2 ये कितने का है, 220 वोल्ट का, और कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेंस सप्लाई, तो इसको अपन ने भाई साहब पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, इफ द सप्लाई वोल्टेज आपका कितना है भाई साहब, 220, ठीक है, तो आपको यहां पे पूछा है कि करंट कितना ड्रॉ होगा, सप्लाई वोल्टेज आपका 220 वोल्ट का, ठीक है, कितना करंट ड्रॉ होगा, ओके, तो करंट ड्रॉ करने के लिए आपने यहां पे देखो पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो ये एक बल्ब है और भाई साहब ये एक बल्ब है, ठीक है, इन दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ये जो सोर्स है आपका 220 वोल्ट का है, ठीक है, ये R1 है और ये लेट्स से R2 है जिसकी वैल्यूज आपको नहीं मालूम, ठीक है, तो करंट इसमें सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सीरीज सर्किट में आपका करंट क्या होता था, सेम होता था, पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट होगा लेकिन वोल्टेज सेम होगा, ठीक है, सो हाउ विल यू फाइंड आउट द करंट, आप भाई साहब इसमें P1 विल बी इक्वल टू, करंट आपका अलग अलग होगा, V1 इंटू I1, V I होता है, P की वैल्यू क्या होती है, V इंटू I, ठीक है, तो यहां पे V1 I1 हो गया भाई साहब, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 बाई V1, ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी है 100, V1 की वैल्यू कितनी है 220, कैंसिल कैंसिल, 25 जा 10, 11 जा 22, तो 5/11 एम्पियर्स, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, ये हो गया I1, नहीं रुको रुको, यहां पे आपसे पूछा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, तो टोटल करंट आपको निकालना है, तो अभी से इसको उसमें मत करो, चलिए इसको निकाल लेते हैं, देखो P इज इक्वल टू P2 कितना हो जाएगा, V2 I2, ठीक है, तो आपका भाई साहब I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2/V2, ठीक है, P2 की वैल्यू यहां पे कितनी है 60 और V2 की वैल्यू है भाई साहब 220, कैंसिल हम कैंसिल हम, 2 3 6, 2 11, तो यहां पे 3/11, ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी हो गई 3/11, ओए यूनिट क्या होगा, इसको ढूंढने का क्या लेगा, इसको ढूंढने का क्या लेगा, नहीं ढूंढ पाएगा, घबरा गया तू, अरे भाई साहब अभी तो लिखा 5/11 एम्पियर्स, ये क्या था I1, तो यहां पे I2 लिखा है, यहां पे क्या हो जाएगा एम्पियर्स, सिंपल, ठीक है,
तो आपका टोटल करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा? टोटल करंट इन द सर्किट 5/, टोटल करंट इन द सर्किट यहां पे I1 है और यहां पे I2 है, तो टोटल करंट इन द सर्किट विल बी I1 प्लस I2, दैट इज 5/11 प्लस 3/11, दैट्स गोइंग टू बी 8/11 एम्पियर्स. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस मैनम पीपल? हम ठीक है, 8/11 एम्पियर्स. व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन? अभी आप निकालो, मैं इसलिए तुमको मना कर रहा था कि पहले से ही पॉइंट में मत निकालो, ये जो आया है इसको वैसा पॉइंट में निकालो, एक बार में ही आ जाएगा ये 0. ठीक है, 0.72. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? एम्पियर्स में तो आपके दो बल्ब्स है जिसको अपन ने भाई साहब क्या किया, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है. वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द करंट. तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस V1 I1, तो I1 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, I2 की वैल्यू ये हो गई, इन दोनों को ऐड कर दिया, देखो 0.72, ठीक है, एम्पियर, दैट वुड बी द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी. ठीक है, देखो यहां पे क्या बताया गया है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटीरियल, सेम मटीरियल बोल रहे हैं तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई, ठीक है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, तो मतलब इनका लेंथ सेम हो गया, ठीक है, एंड ऑफ इक्वल डायमीटर, इक्वल डायमीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनका सेम हो गया. ये अगर आपका सेम हो गया तो उसका मतलब ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस आपका सेम, ठीक है, तो देयरफॉर बोथ हैव एमसीक्यू है, देखो इसको ऐसे सॉल्व करना है, बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस, बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस दैट इज आर. ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अभी आपने भाई साहब एक बार क्या किया है, तो आपका सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा आपका 2R. तो यहां पे पूछा है हीट डेवलप द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो सीरीज में हीट प्रोड्यूस कितना होगा? आई स्क्वायर आर टी. ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा भाई साहब. क्लियर है भाई साहब? ठीक है, या अपन अगर आई स्क्वायर आर टी नहीं ले रहे हैं तो भाई साहब क्या लिख सकते हैं, देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करना है तो भाई साहब क्या करें, अरे बोलिए ना भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर यूज करना है तो यहां पे ऑब्वियसली आई स्क्वायर आर टी है, आई स्क्वायर आर टी है. अगर मुझे को आई को हटाना है यहां से, तो आई को हटाएंगे तो वी इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई आर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, कैंसलम कैंसलम, तो ये हो गया वी स्क्वायर टी बाई आर, ये हो गया आपका हीट डेवलप इन द सीरीज सर्किट. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टी बाई आर. ठीक है, क्लियर है? अभी इस आर का, ये आर बेसिकली क्या होगा, ये आर आपका ये वाला आर है इफेक्टिव. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू है 2R, तो वी स्क्वायर बाई टी अपॉन 2R लिख सकते हैं भाई साहब, कैन वी? ठीक है, ओके. अभी हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल में आपका 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ये फॉर्मूला होगा, है ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, इसका आ गया R और यहां पे 1+1, ये हो गया 2/R, 1/RP, तो देयरफॉर RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा दैट इज R/2. क्या ये समझ में आ रहा है, RP की वैल्यू R/2 हो जाएगी. भाई देखो 1/RP क्या है, 2/R, तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसको उल्टा करोगे तो उसको भी उल्टा करना पड़ेगा, RP/1 दैट इज RP विल बी इक्वल टू R/2. ठीक है, अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब, यहां पे हीट डेवलप कितना हो जाएगा इन पैरेलल, दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टी अपॉन RP, तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाई टी, वी स्क्वायर इंटू टी, और RP की वैल्यू कितनी हो गई, R/2, सो दैट इज गोइंग टू 2V² T/R, ये हो गया आपका हीट डेवलप्ड इन पैरेलल. ठीक है, और हीट डेवलप इन सीरीज, ये हो गया हीट डेवलप इन सीरीज, ये हो गया हीट डेवलप इन पैरेलल. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? सो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, HS/HP, ये भाई साहब कितना हो जाएगा, V² T/2R, और इधर कितना हो गया बोलो, 2V² T/R, तो यहां पे R और R आपका कैंसिल, V² कैंसिल, T और T कैंसिल, यहां पे कितना हो गया, ये नीचे एक 2 बचा था, रियर तो 1/4, तो HS दैट इज हीट डेवलप इन सीरीज सर्किट इज टू हीट डेवलप इन पैरेलल सर्किट इज 1:4, दिस इज बेसिकली 1:4. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन?
तो ये हो गया आपका 1/4। आर वी क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स। अरे हर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये आपका बेसिकली देखो इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर किस पे चलता है? किलो वॉट आवर्स पे चलता है, ठीक है। तो किलो वॉट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर इज एनर्जी कंज्यूम, दैट इज पावर इंटू टाइम, वॉट इंटू सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगा? किलो वॉट आवर। ये किलो वॉट आवर होता है भाई साहब आपका 1 यूनिट, ठीक है। किलो वॉट आवर इज 1 यूनिट, ठीक है। सो यहां पे अगर हम रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क, 1 किलो वॉट आवर, किलो मतलब हो गया 1000, वॉट मतलब हो गया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और आवर को अगर आप भाई साहब देखो ये 1 किलो है ना, देखो इसको समझो, ये किलो मतलब हो गया 1000, वॉट मतलब होता है क्या, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और यहां पे आवर है, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, इतने, तो 3600 सेकेंड्स। कैंसिल हम कैंसिल हम, तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी 36 × 10^5, तो ये हो गया 36 × 10^5, दैट इज 3.6 × 10^6 जूल्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल्स। ओके चलिए फटाक से करते हैं भाई साहब। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, इसकी रेटिंग क्या है, 400 वॉट्स, ऑपरेट्स एट 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 per kWh? तो 3 per unit है देखो, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब कितना यूनिट आ जाएगा, देखो यहां पे पावर इंटू टाइम, ठीक है, 8 आवर्स पर डे, और कितने दिन तक चल रहा है भाई साहब, 30 डेज तक। तो कितने दिन हो गए, टोटल कितना टाइम हो गया, 8 आवर्स है ना पर डे, 1 डे 30 डेज, टोटल आपका पावर, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल पावर, ठीक है, टोटल पावर इंटू टोटल टाइम, टोटल पावर इंटू टोटल टाइम। टोटल पावर भाई साहब कितना है आपका, 400 वॉट्स। 400 वॉट्स को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम भाई साहब पहले दिन पकड़ो, एक दिन यहां पे 30 दिन है तो 30 डेज, 30 डेज में हर दिन कितना चल रहा है, 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे, और 1 घंटे में भाई साहब कितने होते हैं आपका, होता है 60 × 60, ठीक है। दिस विल बी द सेकेंड्स, ये सेकेंड्स और ये सेकेंड्स मर गया भाई साहब, तो यहां पे आ गया 4 × 3 = 12, 12 × 8 = 96, 96 × 36 कर लो, तो 96 × 36, 6 × 36, 9 × 6 = 54, 55, 56, 57, 6 × 3 = 18, 9 × 3 = 27, 28, 6, 8 + 7 = 15, 9 + 5 = 14, 2 + 1 = 3, तो ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6, ठीक है, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, दिस इज बेसिकली किलो वॉट आवर। तो आप भाई साहब यहां पे ये कितना हो गया, दिस इज बेसिकली जूल्स, ठीक है। तो आपका एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है, 1 unit of electricity is हाउ मच, 3.6 × 10^6, ये हो गया आपका 1 यूनिट। तो आपका यहां पे कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो देयरफॉर 1 unit of electricity इतना जूल्स, 1 यूनिट मतलब इतना जूल्स होता है इसका भाई साहब, 1 यूनिट होता है, तो इतने जूल्स का, 1 जूल का कितना होगा, 1/3.6 × 10^6, इतने यूनिट्स होंगे। तो आपका भाई साहब यहां पे अगर हम इसको करते हैं, 3, 4, 5.6, 3, 4, 5.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 10^6 जूल्स, इसका कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी 3, 4, 5.6 इंटू 10^6 जूल्स का कितना आ जाएगा, 3, 4, 5.6 इंटू 10^6 अपॉन 3.6 × 10^6, ये भाई साहब कैंसिल हम कैंसिल हम, ठीक है, ये आपका इधर आ गया, ये आपका इधर आ गया, ठीक है, 3, 4, 5, 6, और ये हो गया आपका 36, ठीक है। तो यहां पे 36 × 9, 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27 + 5 = 32, ठीक है, 324, 6 × 9 = 54, 9 × 3 = 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो ये हो गया आपका 32, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2, ये हो गया 6, 36, 6 × 6, 6 × 36, 21, ठीक है। तो आपका कितना आ गया भाई साहब, 96, तो आपके कितने यूनिट्स हो गए, 96 यूनिट्स हो गए। एक यूनिट का भाई साहब कितना है, किलोवाट आवर, 3 रुपए है, तो 96 × 3, ये आपका भाई साहब बिल आ जाएगा, 6 × 3 = 18, 9 × 3 = 27, 28, सो 228 रुपए का बिल हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, तो एनर्जी कंज्यूम पावर इंटू टाइम, तो आपका 96 किलोवाट आवर आ गया, विच इज बेसिकली 1 यूनिट। अभी कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल बी 96 × 3, दैट इज 288, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर?
चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट क्विक क्विक। एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज रेटेड एट 100 वॉट्स, तो आपका भाई साहब पावर यहां पे कितना है, सॉरी 1000 वॉट्स है, ठीक है, और यहां पे वोल्टेज कितना है 220 वॉट्स ऑपरेट्स, तो आपका भाई साहब 2 आवर्स डेली है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज एट ₹3 पर किलो वॉट आवर, ठीक है, किलो वॉट आवर भाई साहब आपका कितना है 3 किलो वॉट आवर, ठीक है, ओके। तो यहां पे आप देख लो, इसको अगर मैं वॉट को किलो में चेंज करूं, देखो अगर मैं किलोवाट को वाट में चेंज करता हूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर उल्टा करता हूं वाट को किलोवाट में तो कितना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 बाय 1000 किलोवाट ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, उल्टा चल रहे हैं भाई साहब, तो 1 किलोवाट हो गया। ये कितने आवर्स से हो रहा है भाई साहब, देखो 30 डेज 2 आवर्स डेली, तो कितना आवर हो जाएगा, बोल जल्दी से, बोल जल्दी से, बोल 30 जल्दी से भाई साहब, हड्डी टूट जाएगी, जल्दी बोल, 30 डेज है 2 आवर्स डेली, कितने आवर्स होंगे टोटल, मेरा एक ये बल्ब जल रहा है 2 घंटे तक, आज कल जला 2 घंटे तक, कितना हो गया, और परसों भी जला तो 6 आवर्स, कैसे आ रहा है, 3 दिन इंटू 2 घंटा 3 × 2 = 6, तो भाई साहब 30 दिन इंटू 2 घंटा तो कितना होगा, अरे बाप रे बाप, 3 दिन तूने तो हिसाब किया ना भी, 3 दिन तक जला तो कितना आया, 6 घंटा ना, 3 × 2 = 6, तो 30 दिन तक अगर 2 घंटा जले तो कितना आएगा, क्या बात कर रहा है, दो तरफ से 60-60 आ रहा है तब जाकर तू बोल पाया, एकदम ही ऑफ है भाई साहब, ओके तो कितना हो गया टोटल टाइम, दिखा तो रहा हूं भाई साहब, 3 दिन का 2 घंटे के हिसाब से 6 घंटा हो गया, तो 30 दिन का 2 घंटे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 60 आवर्स, ठीक है, टोटल टाइम हो गया कितना, 30 × 2 दैट इज हाउ मच, 60 आवर्स, ठीक है, तो अगर मेरे को इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर की वैल्यू आई है 1 किलो वाट, और टोटल आवर्स कितने आए, 60 आवर्स, ठीक है, तो ये हो गया 60 किलो वाट आवर, ठीक है, 60 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर का कितना है भाई साहब रुपीज, तो 1 किलो वॉट आवर का कितना है रुपीज 3 है, तो भाई साहब 60 किलो वॉट आवर का कितना होगा, 60 × 3, सो दैट विल बी 180 रुपीज, 180 इजी सा कैलकुलेशन है भाई साहब, फटाफट सोचना है इसको करना है, तो आपका यहाँ पे पावर हो गया 1 किलो वॉट, टाइम हो गया 2 आवर्स पर डे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेशन P × T, ठीक है, 6 पर डे, इसको ऐसा करना है वैसे करो वरना सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 180 रुपीज हो गया ये, ठीक है, ओके ओके ओके, सो कॉस्ट टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक हीटर फॉर 30 डेज इज ₹180, ये हो गया भाई साहब आपका ₹180। 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटेड फॉर 2 आवर्स डेली एंड फॉर 40 वॉट बल्ब आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स एवरी डे, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, यहां पे आपका भाई साहब 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब है लाइटेड फॉर 2 आवर्स, टाइम आपका कितना है यहां पे 2 आवर्स डेली फॉर 40 वॉट बल्ब, तो आपका 40 वॉट का 4 बल्ब है, ठीक है, तो 4 × 40
तो ये हो गया आपका 160 वॉट्स, ठीक है, टोटल 160 वॉट आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स एवरी डे। हर रोज भाई साहब कितना जल रहा है? 4 आवर्स एवरी डे, ठीक है, 160 वॉट का टोटल जल रहा है भाई साहब कितना? 4 आवर्स एवरी डे। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, तो आपका भाई साहब एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर भाई साहब ये पावर है 160 वॉट, मतलब 160 जूल्स पर सेकेंड हो गया, टाइम आपका कितना है? 2 आवर्स, इसको कन्वर्ट करो 2 × 60 × 60, है ना, ये हो गया सेकेंड्स में, तो 2 × 60 × 60 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सेकेंड और सेकेंड जाना चाहिए, जूल्स में आंसर आना चाहिए। 6 × 36 = 36, 2 × 72 = 72 × 16, तो ये हो गया आपका कितना? 2 × 6 = 12, 7 × 6 = 42, 43, 2 × 2 = 7, 1 = 7, 2 + 3 = 5, 7 + 4 = 11, 1152, और यहाँ पे हो गया 0000000, ये हो गया आपका जूल्स। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इज हाउ मच? 1152000 जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम किलोवाट आवर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। ठीक है, 9, 7, 10, 4, 4।